आंखों देखी। पूर्णिया में मुख्यमंत्री के आने के दो दिन पहले धमधा प्रखंड सिंघाड़ा पट्टी किशनपुर बुलवा पंचायत और बिशनपुर पंचायत के सड़क को ग्रामीणों द्वारा जाम कर आगजनी का प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों की मांग है कि यहां बिजली का पोल, ट्रांसफार्मर, रोड और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। 15 वर्षों से मुख्यमंत्री ने क्या विकास किया है, यह जनता जानना चाहती है। जबकि यहां अभी तक घर घर बिजली भी नहीं पहुंची। यहां 10 फरवरी को मुख्यमंत्री के द्वारा समाधान यात्रा का आयोजन किया गया है। तकरीबन यहां दोनों पंचायतों के सैकड़ों लोगों के द्वारा रोड को 5 किलोमीटर तक जाम किया गया और जमकर आगजनी की। लोगों का कहना है कि यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, फिर भी हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं जा रही है। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक सड़क को जाम से निजात नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री के आने के कारण लोगों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंचे DSP रमेश कुमार, SDO राजीव कुमार के द्वारा ग्रामीणों को समझा बुझा कर जाम तार है, यही तार से सब जगह कनेक्शन। आप झूठ बोल रहे हैं कि लाइन नहीं आता है। अभी तो काफी हुआ है। की दिक्कत छह तरह के रोड जाम कर सड़क वाला ठीक नहीं छा, राशन 4 किलो मिले छा, शौचालय मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, इंदिरा आवास ना नहीं मिल रहा है। कौन पंचायत के छियो तू सब? बिशनपुर पंचायत। क्या नंबर वार्ड? 17 नंबर वार्ड। की नाम भेल? नाम नहीं जाने छियै हम। तोहर नाम की भेल? अर्मिला देवी। आ तोहर के पंचायत के मुखिया के छियै? अमर मंडल। अमर मंडल, ओ तो कहै छै बहुत विकास करले छी। हैं कुछ ना जा के देखिए, चलिए। कहै छै हमरा से बेसी विकास कोई पंचायत में करले? तार छै ऊपर में, चलिए एनहा में बाल बच्चा लगा रहै छी। इसका जाम किया है यहाँ पे बिजली के लिए, टूटी के लिए, स्कूल के लिए, हर चीज के लिए जाम है। हर चीज सिंघाड़ा पट्टी में चल रहा है। जैसे यहाँ पे कोई चीज का सुविधा नहीं, कोई चीज का सुविधा नहीं है। कौन सा पंचायत में आता है? किशनपुर और बिशनपुर दोनों पंचायत पंचायत में है। 17 नंबर 3 नंबर वार्ड है। कहा तो जा रहा है बिशनपुर पंचायत में पूर्ण रूप से विकास हुआ है। चलिए आप लोग, हम लोग चलिए देख आइए क्या विकास हुआ है, नजर में डालिए वहाँ, तब जाके जांच करके उसको दिखाइए क्या हुआ, क्या है, क्या किया है अभी तक में। कोई विकास नहीं है बिशनपुर पंचायत में, कोई विकास नहीं। यहाँ तो कहा जा रहा है तो पूर्ण रूप से विकास हुआ। चलिए ना देख लीजिए कितना दूरी में बिजली का खम्भा है, कितना पतला वायरिंग लगा है उसमें, कहीं किसी के ऊपर टूट फूट के गिर गया तो क्या होगा, गिरा हुआ है 5-6 जगह तार टूटा हुआ है। खम्भा देखिएगा ना, किसी का घर पे तार खम्भा लटका हुआ है। शिकायत थी तार जर्जर हो गया है एवं कुछ घरों में बिजली बिल ज्यादा आता है। उसकी समस्याओं सुनने के 11 तारीख को हम लोग डेढ़ समय दिए है। उस दिन हम और मैं स्वयं और बिजली विभाग के पदाधिकारी वहाँ जाके उनकी समस्या को सुनकर निराकरण करने का प्रयास करेंगे।